अगर इस प्रोग्राम की आउटपुट की ओर जरा हम ध्यान से देखें तो इस बड़े ये जो प्रोग्राम है हमें डिसाइड ये आउटपुट जो है वो हासिल करनी है, हम इसको कैसे बनाएंगे। सो इसको बनाने के लिए हमने क्या करना है, ये जो इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में ये जो बड़ी प्रॉब्लम जो है, कुछ भी अगर हमें हमारे पास सामने एक प्रॉब्लम है कि इसको हम कैसे करेंगे, तो उस प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करेंगे और उसको छोटा छोटा करके या धीरे धीरे करके उसको अपने गोल की तरफ को हम बढ़ेंगे। तो अगर मैं देखूं यहाँ पे, अगर प्रोग्राम मेरा जैसे ही चलता है तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये मुझसे एक इनपुट मांगता है मुझसे, तो मैं एक इनपुट एंटर करता हूँ, दूसरी फिर इनपुट एंटर करता हूँ, फिर एक इनपुट एंटर करता हूँ। अब ये चलता रहता है और एक पॉइंट के ऊपर आके मैं कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड डालता हूँ तो उसके बाद क्या हो जाता है, ये ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर देखा जाए तो मेरा नेक्स्ट काम क्या होता है, इसको क्या कर देता है, एक सेंटेंस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है, सेंटेंसेस बना क्रिएट कर देता है यहाँ पे। और अगर सेंटेंस में देखें तो यहाँ पे सेंटेंस का एंड होता है, वहाँ पे एक पीरियड ऐड कर दे रहा है, ये भी एक अचीवमेंट अचीव करना है हमें। उसके बाद अगर हमारा सेंटेंस क्वेश्चनेबल है, हमारा सेंटेंस क्वेश्चनेबल है तो क्वेश्चन मार्क एंटर कर रहा है, एंड में लगा रहा है, या फिर उसके बाद में हमने स्पेस मैनेजमेंट को भी करना है, इसको कैसे करना है। तो ये सब चीज़ें जो है वो हमें इस प्रोग्राम के अंदर इनको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि हम इसको छोटे छोटे मॉड्यूल्स में या छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करेंगे और एक एक चीज़ को सॉल्व करके इसमें देखेंगे, जहाँ पे कुछ एक चीज़ हम कंडीशन चेक करके करेंगे और ये सब चीज़ें करके देखेंगे। तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये है कि हम लोग इसके लिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, हम यहाँ पे सेंटेंस क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी हम इनपुट डाल रहे हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, एक सेंटेंस में कन्वर्ट कर रहे हैं और ये फ्रेजेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। सो हम क्या करेंगे, एक यूज़र डिफाइंड एक हमें फंक्शन क्रिएट करना है और हमें उस फंक्शन के थ्रू जो है इस टास्क को अचीव करना है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं कि हम इसकी कोडिंग कैसे शुरू करें।